इसको डॉक्टर के पास लेके जाना, और ये जो कल दवाई लिखे थे वो तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज भी पंकु का तबीयत ठीक नहीं हुआ है, तो आज जा रहे हैं उसको फिर से डॉक्टर पास लेके। तो देखते हैं आज डॉक्टर जी क्या बोलते हैं उसके बारे में, कि और क्या दवाई लिखते हैं और भी क्या उसका इलाज करते हैं। तो कल मैं गया था डॉक्टर यहाँ, लेकिन डॉक्टर ने बंकू को देखा और उसके लिए दवाई लिखा। उसका तबीयत हो चुका था ख़राब, तो खाना नहीं खा रहा था वो, लेकिन एक टाइम का खाना तो खाए थे वो थोड़ा सा वो भी, फिर उसके बाद अभी तक खाना नहीं खा रहा है। तो आज है दूसरा दिन, तो आज फिर से जा रहे डॉक्टर पास, क्योंकि डॉक्टर ने आज सुई लिखा था। तो उन्होंने कहा था कि अगर ठीक नहीं होगा तो जाएंगे वो, ठीक अगर नहीं हुआ तो सुई पड़ेगा। तो वो खाना अभी भी नहीं खा रहा है, तो आज जा रहे डॉक्टर पास उनसे मिलने, और जैसा डॉक्टर बोलते हैं तो आप लोग को मैं बताता हूँ। तो अभी डायरेक्ट मिलता हूँ मैं डॉक्टर पास। पंकू हो चुका है यहाँ पे रेडी, तो अभी इंतज़ार करें टोटो का। चलो पंकू चलो। तो अभी ऑटो ले चुके हैं और यहाँ से जा रहे हैं डॉक्टर के पास। तो पंकू यहाँ पे बैठा हुआ है नीचे, तो अभी इसको डॉक्टर के पास लेके जाना, और ये जो कल दवाई लिखे थे वो, तो वो दवाई भी साथ लेके जा रहे हैं ताकि दिखा सके कि क्या क्या खाया है, कैसे खाया है। और ये रहा पंकू, एक वो ये जा रहा है बॉडीगार्ड, इसका पर्सनल बॉडीगार्ड है, पर्सनल गार्ड रखे है इसके लिए। तो अभी जा रहे हैं, डॉक्टर के पास आ चुका है बंकू। अभी देखते हैं डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं। तो अभी बंकू को डॉक्टर से मिला दिया है, तो इसको कुछ बीमारी का लग रहा है, जैसे कि मतलब डॉक्टर ने बोला है कि इसका एक ब्लड टेस्ट होगा। तो बंकू का ब्लड टेस्ट होगा सबसे पहले, तो अभी फ़िलहाल में एक दिन का दवाई दिए हैं, तो वो दवाई खिला देंगे। अगर ठीक नहीं हुआ तो बंकू का ब्लड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद जो इसका इलाज होगा तो वो तो होगा। तो आज फिर से एक दवाई दिए हैं डॉक्टर जी, तो डॉक्टर ने आज फिर से एक सिरप और टैबलेट लिखा है। तो अभी सबसे पहले घर जाते हैं और इसको टैबलेट खिलाते हैं, और अगर एक दो दिन में ठीक नहीं होता है तो बंकू को ब्लड टेस्ट लिखा गया है, तो इसका ब्लड टेस्ट होगा। तो अभी चलते हैं घर। यहाँ पे बंकू को डॉक्टर से डर लगता है, इसलिए यहाँ पे वो खड़ा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, तो घर जाके मिलते हैं। अभी हम घर आ चुके हैं, तो बंकू को अभी थोड़ा रेस्ट करने दे रहे, फिर उसके बाद उसको दवाई खिलाएंगे। तो चार एक सिरप और दे दिया गया है और टैबलेट लिखा गया है, तो अभी आज एक दो दिन इसको खिला के देखते हैं। अगर वो ठीक नहीं होता है तो उसको फिर जा रहे हैं हम लोग पटना लेके, या कहीं भी इससे अच्छा इलाज करवाने के लिए। और पहले ब्लड टेस्ट करवा देते हैं, जो भी रिपोर्ट आएगा उस अकॉर्डिंग हम लोग बंकू का इलाज करवाएंगे। पहले वेट करते हैं इसका ठीक होने का। तो अभी कुछ देर रेस्ट करता है बंकू, उसके बाद उसको दवाई खिला देंगे। बंकू को ये दोनों सिरप पिलाना है सिरिन से, दो दो चम्मच। तो अब ये सिरिन से सिरप पिला के मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। पे बंकू अभी सोया हुआ है गाइस, तो यहाँ पे बंकू अभी सोया हुआ है, और ये बहुत ही अभी इसको खिलाए हैं, तो अभी धूप में बैठा हुआ था, तो अभी ये घर आया यहाँ पे सोने, तो अब ये सो जाएगा। तो ये देखिए सो चुका है, अब ये सोने वाला है गाइस। तो यहाँ पे अब बंकू सो रहा है। क्या बंकू ठीक है ना? इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे इसका ये बेड बिछा हुआ है, इसके ऊपर इसको रखेंगे, तब ये सो जाएगा अच्छा से। तो आज इसका तबीयत देख लेते हैं कैसा होगा। बंकू को अभी सुला दिए है गाय, तो आज इसका तबीयत देख लेते हैं। अगर तबीयत इसका ठीक हो जाता है तो अच्छा बात है, और अगर तबीयत इसका ठीक नहीं होता है तो इसका ब्लड टेस्ट होगा, और ब्लड टेस्ट में जो भी रिपोर्ट आएगा तो फिर इसको दिखाएंगे उस हिसाब से डॉक्टर से। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कॉमेंट में नीचे ज़रूर बताएँ, और बंकू के लिए प्रे जरूर करें कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।